दिल्ली की गलियों से एक भावना आ रही है कि ईमानदारी की होती जो नियत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। नियत ही नहीं है, और उसके बाद जेल गए सड़कों से तो सड़कें थी खाली। सरब भारद्वाज जी, 2 करोड़ आपके समर्थन में है, 200 भी नहीं आए सड़क पे। रूट भी तय था तिहाड़ का, कुछ नहीं तय होता तो गेटवा तो तय था, कौन गेट से घुसना है। जेल गए सड़कों से, सड़कें थी खाली, कोई नहीं आया सड़कों पे, कुछ बजा रहे थे ताली। 100-150 लोग आए तो बजा रहे थे। ये क्या हो गया कि पूरी दिल्ली के लोग आपके इस गिरफ्तारी से खुश हैं? तो फिर याद करते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। है शक्ति है धरा पे। आप समझते हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप बड़ी चालाक हो, आप जब चाहोगे मुद्दे को बदल सकते हो, लेकिन ईश्वरीय शक्तियां हैं, पर आपने जैसा किया वैसा आप भोग रहे। हां, बीजेपी को दोष मत दो, क्योंकि अब बीजेपी को दोष देते हो तो दिल्ली की जनता हंसती है। गिरफ्तारी पे रोक लगाओ, किसके पास गए थे? कोर्ट के पास। आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लग सकती है, किसने कहा? माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट। झूठे भाजपा को खेल रहे हो। आपके मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, इन लोगों को बेल देने का काम बीजेपी के नहीं था, वो माननीय कोर्ट का था, उन्होंने नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता को आप थोड़े समय भ्रमित कर लिए होंगे, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अरविंद केजरीवाल जी, नियत क्या है आपकी? नियत स्पष्ट है, और नियत स्पष्ट है कि सुनीता केजरीवाल को पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही, यही अरविंद केजरीवाल का कष्ट है। यह है आम आदमी पार्टी का सत्ता संघर्ष। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 7 दिन पहले भी कोर्ट में गए थे, कल से 7 दिन पहले, तब उनको आदेशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लेना था, क्योंकि उस समय बातचीत चल रही थी कि देखो मैं थोड़ा दिन नाटक करूंगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, ऐसा क्योस पैदा करूंगा, और उसके बाद जो है तुम लोग कहना कोई नहीं तो सुनीता जी को ही सही। पार्टी ने शायद इनकार कर दिया, और पार्टी ने जब इनकार कर दिया तो उस 7 दिन में जो पसीने छूटे हैं अरविंद केजरीवाल के, उसके बाद जब वो आए हैं, याद रखिए वो जहां कल भी आए थे वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं था सर, वो माननीय न्यायालय था, और माननीय न्यायालय ने उनको जब कहा कि अब आपको 15 दिन की कस्टडी दी जा रही है, जुडिशियल कस्टडी, 15 दिन जेल में चाहे आपके साथी है वही आपको जाना है, तब जाते जाते खेल करते अरविंद केजरीवाल, जो राजनीतिक इतिहास में याद रखी जाएगी भाई बहन, जो हमारे इशारा कर रहे थे वीरेंद्र सचदेवा जी, कि एक परिवार का मुखिया कह रहा है हम सबको भेज रहे हो तो ये 2 को भी भेजो, ये 2 विजय नायर इन्हीं से मिलता था, किससे मिलता? ये जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल भाजपा के तो नहीं है। आतिशी जी क्या हो गया आपको? इस शराब घोटाले में जो भी अभी तक जेल में लोग हैं उनको तो जांच एजेंसियों ने उनके कर्मों के आधार पर गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 लोगों को शराब घोटाले में पहली बार जिसने नामजद किया है उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है और उन्हीं पार्टी के 2 मंत्री हैं। कितना बड़ा चोरों का गैंग है आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे स्पष्ट है कैसे सुनीता केजरीवाल जी बैठ सकती है रामलीला मैदान की मीटिंग में सोनिया जी के बगल में। इस चीज चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी किसको धोखा दे रहे हो भैया? आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मीडिया में खबरें आ रही है कि
सुनीता केजरीवाल जी मिल रही है, वट इज योर कैपेसिटी, इन विच कैपेसिटी यू आर सिटिंग विद आम आदमी MLAs, क्या अधिकार है आपके पास सुनीता जी? हां, आप वो राजमहल नहीं छोड़ना चाहते हो, आपको बड़ा मोह हो गया है उस राजमहल से, उसी महल से, जो भी कहा जाता तो अब पता चल गया कि जो अरविंद केजरीवाल कहने को तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध होते थे, कहने को तो परिवारवाद के विरुद्ध होते थे, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में घुस करके उस दलदल में जेल चले गए और उनकी पत्नी को आगे करके ये परिवारवाद का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली में, जिसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। कहां गया वो व्हाट्सएप नंबर जो आपने 4 दिन पहले जारी किया था? तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है उस बात को दोहराते हुए, क्योंकि आज दिल्ली की जनता रो रही है सर, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने को मजबूरी हो रही है, गलियां टूटी हैं। कल मैंने चैनल पे कहा उनके एक प्रवक्ता को कि आपके मुख्यमंत्री अगर बहुत लोकप्रिय हैं तो मेरे साथ चलो मुस्तफाबाद, मेरे साथ चलो गोकुलपुर, मेरे साथ चलो बुराड़ी, मेरे साथ चलो करावल नगर। तब वो हमको कह रही है ऑनलाइन, अरे वहां जाएंगे तो आप सीबीआई से गिरफ्तार करा देंगे। वाह 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 वाह, इस देश के दीवानों, गली में जाने की हिम्मत नहीं। तब मैं आप सबको इस बात को आपके सामने रखता हुआ, मुझे पूरा पूरा मुझे उम्मीद है कि हमारे दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को रोका है, जिन्होंने लूटा है, उनको उनके किए की सजा मिल रही है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा करके भागना चाहती हैं, तो बिल्कुल हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने ठीक कहा, हम आपको आज शाम तक आतिशी मार लेना जी, आपको और सौरभ भारद्वाज जी को हम आज शाम तक का समय देते हैं, या तो तुरंत माफी मांगिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे संपर्क किया, या तो माफी मांगिए, नहीं तो वो नंबर, वो फोन नंबर, वो व्यक्ति, ये सब डिटेल दीजिए। आप विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी गलत पथ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और हम एक्शन लेंगे, नहीं तो आप अपने खिलाफ एक जुडिशियल एक्शन के लिए तैयार।